लोकसभा चुनाव के लिए क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एजेंडा सेट कर दिया गया है। एक ओर राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा शुरू है और इसके बीच में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर हमला जारी है। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर, गंगा विलास क्रूज, काशी कॉरिडोर और न्यू इंडिया के सहारे बीजेपी का भी लगभग एजेंडा सेट है। चुनाव से पहले एक सवाल ये भी है कि क्या 2024 के लिए पीएम मोदी के स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा विपक्ष। आस्था और विकास के गठजोड़ के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, चाहे वह राम मंदिर की तारीख हो या कोरोना के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग आधा पूरा कर लिया गया है और अगले साल जनवरी से पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सरकार की ओर से कई सारी योजनाओं को लेकर डेडलाइन जो तय की गई है उसको पूरा किया गया, हालांकि कुछ योजनाएं इसमें पीछे भी हैं। विपक्ष सरकार रोजगार के मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वहां भी रोजगार देने की दर पीछे ही है। इसका उदाहरण राजस्थान भी है जहां कांग्रेस की सरकार है। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार वह बेरोजगारी की दर में दूसरे नंबर पर है। बिहार और झारखंड भी इस सूची में है। इसके अलावा राहुल गांधी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूरा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन फिर ये भी सवाल है कि उन्हें फिर उन राज्यों में क्यों ला रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस प्रवक्ता शुभ्रांश राय ने इस मुद्दे पर न्यूज चैनल में बहस के दौरान कहा कि पेट्रोल डीजल गैस की कीमत 2014 से पहले क्या थी और अब क्या है। 2014 से पहले यही महंगाई डायन अब महबूबा हो गई। 100 नई स्मार्ट सिटी और 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा क्या हुआ। वहीं बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद करोड़ों नौकरियां दी गई, जो भी कहा गया वह करके दिखाया गया। टीएमसी प्रवक्ता ने कहा कि इस सरकार में 95% ईडी और सीबीआई की जांच विपक्षी दलों के यहां की गई। राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पांडे ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर की बात कही थी वह पूरा हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात थी तो अब तक सरकार पर इसका कोई भी आरोप नहीं लगा है। आत्मनिर्भर बनने की बात थी और उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ी है। कोरोना के दौरान न केवल वैक्सीन लगवाई बल्कि बनाई भी। विपक्षी दल इसको भी लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और ये पूरा हुआ। डिजिटल इंडिया की बात थी, सरकार उस दिशा में भी आगे बढ़ी। टॉयलेट बनाने की बात थी, वह पूरा किया। ये फर्क देखने को मिला है और इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा।